तो यहाँ पर क्या क्या है वैसे? गुड़शाल का मतलब तो घोड़े ही हैं। घोड़े ही हैं, घोड़े हॉर्सेस वगैरह रख रखे अपन ने। ये घोड़ा इनका, ये कौन सी लाइन का भैया? ये ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है। अच्छा, ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है। रमेश जी हमें ये बताइए कि घोड़े में क्या क्या देखना चाहिए? सर मेन तो हम ये देखते हैं भाग्य भमरी कैसी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हूँ उदयपुर में और यहाँ पर एक बड़ा फेमस फार्म है गुड़शाल फार्म्स, जिनके ओनर हैं नीरज जी और प्रतीक जी। आइए उनसे मिलते हैं। उदयपुर से कोई 10-15 किलोमीटर है कंट्री साइड में और ये फार्म देख के आपको मस्त मज़ा आएगा। आइए, घोड़े भी हैं अंदर, डॉग्स भी हैं और फार्म का सेटअप देख के आपको सही में बोलोगे की बात, वाह मज़ा आ गया। आइए, सबसे पहले एंट्री गेट है यहाँ पर और ये देखिए दुनिया चेंज हो जाती है जब हम अंदर आते हैं तो। राजस्थान पूरा लुक, मतलब पूरा अलग से बनाया हुआ है। और ये मेरे सामने है नीरज जी और ये प्रतीक जी, क्या हाल है सर आपका? बहुत बढ़िया। पहले तो स्कूबर्स में आपका स्वागत है। आपका और भी स्वागत है भैया। ये किस मतलब जगह पर, लोकेशन कौन सी है इसकी? ये साकरोदा है। साकरोदा गाँव है। ठीक है, तो ये आइडिया कहाँ से आया भैया आपको? आइडिया तो क्या है, नहीं बड़ा ही मतलब कंट्री साइड बना हुआ है, शांत वातावरण है, मतलब यहाँ पर तो कोई भी रहता होगा तो मेंटली फ्री रहता होगा, तो चलिए बनाया है ये, इसीलिए बनाया है। तो यहाँ पर क्या क्या है वैसे? गुड़शाल का मतलब तो घोड़े ही हैं। घोड़े ही हैं, घोड़े हॉर्सेस वगैरह रख रखे अपन ने, तो मारवाड़ी है सर। मारवाड़ी हॉर्सेस। तो चले थोड़ा सा अंदर देखे। ये सबसे पहले हम यहाँ पर गार्डन है, गार्डन के अलावा आपने गेस्ट रूम बनाए हैं। दो गेस्ट रूम बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले भैया मतलब घोड़े तो हैं यहाँ पर, गेस्ट रूम किसके लिए हैं? या तो अपने घोड़े वाले के लिए या वैसे भी रिजॉर्ट टाइप? घोड़े वालों के लिए भी है, हम भी कभी फैमिली के साथ आए तो फैमिली के साथ भी स्टे कर सके। तो वैसे आपका बिजनेस, कोई गेस्ट आए तो भी रुक सके यहाँ। तो आपका बिजनेस वैसे क्या है? बिजनेस तो अपना स्वीट और कैटरिंग का काम है। ठीक है, तो आपका नीरज जी? डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान में। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, तो यहाँ पर तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती होंगी फिर इसका मतलब? नहीं, यहाँ पे उतने रूम्स नहीं है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि घोड़ा भी है इनका सामने, घोड़े की हम अलग वीडियो बनाएंगे, पहले हम फार्म सेटअप टूर दे देते हैं इसमें। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं, बड़ी अच्छी एक बैठने के लिए जगह बनाई और साथ में स्विमिंग पूल भी है। तो यहाँ पर ये कितने मतलब बीघा जगह है वैसे? ये 2 बीघा में बना हुआ है। 2 बीघा में बना हुआ है, सेटअप अच्छा बनाया हुआ आपने। तो ये स्विमिंग पूल अपने लिए हो गया। ठीक है, तो ये नीचे को रास्ता वैसे स्टेबल की तरफ? हाँ, स्टेबल्स की तरफ है। ठीक है, और ये ग्राउंड आपकी आ गई घोड़ों के लिए? घोड़ों की लंजिंग के लिए। ठीक है, लंजिंग के लिए आ गई, मस्त जगह बनाई हुई है, घोड़े भी खुश रहते हैं ऐसी जगह में। तो घोड़े वैसे सारे आपने मारवाड़ी रखे हुए? मारवाड़ी रख रखे। तो ये लोकल ब्लड लाइन ली हुई है या कहीं बाहर से आई हुई है वैसे? लोकल ही है। ठीक है, तो कौन सी ब्लड लाइन के लिए फेमस है आप? अपने पास जो यहाँ के जो फेमस ब्लड लाइन है, दिलबाग की लाइन का भी है। ठीक है, आलिशान लाइन के भी है। ठीक है, चलिए हम जरा स्टेबल की तरफ चलते हैं। तो कितने साल हो गए भैया आपको वैसे इस लाइन में? 2 साल ही हुए अपन को। 2 साल अभी मतलब नए हो, तो आपके मेंटोर कौन है इसमें? किस कोई किसकी तरफ देख के आपने ये शुरू किया था? सारे हो, सबको देख कर ही गया। सब फार्म में विजिट किया? सारे फार्म में विजिट किया है। जैन साहब का फार्म भी विजिट किया है। ठीक है, खेमपुरावला का फार्म भी विजिट किया है। फार्म तो काफ़ी विजिट किए हैं, जानवरों का शौक तो कब से ही रहा तो वो पूरा कर ले। हाँ, पहले डॉग्स वगैरह रखते थे। अच्छा। घर पे रखते थे, हॉर्सेस रखने का था पर वो इतनी घर पे रख नहीं सकते, इसलिए जगह वगैरह के लिए फार्म सेटअप चाहिए। फार्म सेटअप चाहिए। ये 200 घोड़ों के लिए पानी बनाने पीने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। और स्टेबल्स देखते हैं इनका कैसे बना हुआ है, क्योंकि स्टेबल तो मेन देखने वाले होते हैं कि कैसे जगह पर घोड़े रख रहे हैं। और ये काफ़ी इन्होंने ऊँची छत दे रखी है, साथ में पंखा दे रखा है, वेंटिलेशन भी अच्छी है। और ये रिमूवेबल आपने बनाया हुआ है, ये डिटैचेबल है। और साथ में मिट्टी आपने नीचे दे रखी है, तो ठीक है। और खुली जगह भी है। और घोड़े कितने अभी भैया आपके पास? अभी अपना 6 घोड़े। 6 घोड़े हैं, मतलब जितने संभाल सकते हो उतने ही घोड़े हैं। ठीक है, ये घोड़ा इनका, ये कौन सी लाइन का भैया? ये ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है। अच्छा, ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है, आलिशान की लाइन है। ठीक है, आलिशान ग्रेट गैम्बलर आलिशान का था। ठीक है, तो वैसे आप तो चलो नए हो, आप खाने पीने के लिए क्या देते हो इस फार्म में? ये हमारे एक महाराज है, वही देखते हैं खाने पीने का। ठीक है, वही देखते हैं, वही देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इन घोड़ों को हम बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं इनका
और ये घोड़ा बड़ा प्यारा है, ये किसका है? ये भी ग्रेट गैम्बलर का ही है। ये भी ग्रेट गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर भी यहीं का है ना कहीं? यहीं का है। ठीक है, वो भी हम कोशिश करेंगे आगे दिखाने के लिए। वो अब यहाँ नहीं रहा है, वो पंजाब चला गया था, पंजाब से अब रिलायंस में चला गया। अच्छा, रिलायंस में चला गया, उसका ब्लड है यहाँ पर? ब्लड तो। और ये वाला घोड़ा, ये अननोन लाइन की है। अच्छा, तो इसका बच्चा भी हो रखा है वैसे आगे? ये पैलेस लाइन की बच्ची है। पैलेस लाइन जो उदयपुर के यहाँ पर है, पैलेस। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो इन्होंने कैसी इन्होंने स्टेबल बना रखे हैं, काफ़ी खुले खुले स्टेबल बना रखे हैं। और ये शौक का वैल्यू होती है, 6 घोड़े रखे हुए हैं और ऐसी जगह में आप 20 भी रख सकते हो, लेकिन उतने ही रखने चाहिए जितनी आपकी मतलब संभालने की एक कैपेबिलिटी। घोड़ा भी थोड़ा, घोड़ा भी खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो राइडिंग वगैरह आप करते हो? हाँ, राइडिंग वगैरह करते हैं, मतलब राइडिंग प्रॉपर मज़ा लेते हो। प्रतीक जी आप भी चलिए, नीरज जी फिर हम घोड़े दिखाते हैं इसमें। तो प्रतीक जी हम देख रहे हैं ये घोड़ी कौन सी है? ये घोड़ा है, बच्चा घोड़ा है, कोल्ट है। अच्छा, कोल्ट है ये। ये कहाँ से आपने लिया था? ये खेमपुर आंवला से लिया था। ठीक है, ये रुद्राक्ष का बच्चा है और रुद्राक्ष का फर्स्ट रिजल्ट है। और इसकी हाइट वगैरह क्या रहेगी? ये अभी तो 19 महीने का है, अभी 62 है इसकी हाइट। 62 है। तो वैसे आपके हिसाब से घोड़े की हाइट कितनी होनी चाहिए एक अच्छे मारवाड़ी की? अब ये तो कैसे जज कर सकते हैं, पहले तो 60 हुआ करती थी, अभी तो 66-67 ही जा रही है। ठीक है, तो ये इसका वैसे कहाँ तक जाएगा आपका? देखो 65 तो यही है, 65 तो है ही है। तो और क्या खासियत है इस बच्चे की? इसमें आलिशान का भी ब्लड है और देवली लाइन का भी ब्लड है। देवली इसकी मदर, इसकी मदर प्रभात की है। ठीक है, प्रभात की। हाँ, इसकी तो मदर का नाम चिन्मय था। चिन्मय, इसकी मदर का नाम चिन्मय है। ठीक है, और उसकी 64 हाइट है। तो आप क्या सेल परचेज करते हो अगर कोई घोड़ा अगर आपसे लेना चाहे किसी ने? अभी तो हमने शुरू ही किया है। ठीक है, अभी तो खरीद रहे हो? हाँ। ठीक है, तो और भैया कोई खासियत है इसकी जो आप बताना चाहो दर्शकों को? खासियत तो क्या है, लगाव है बस, इससे लगाव बहुत है। ये आप राइडिंग के लिए तो इस फार्म का पहला है कोल्ट। अच्छा, ये फार्म का पहला है, तभी आप पहली तरफ से दिखा रहे हो। और इसका नाम क्या है? इसका नाम शक्तिनाथ। शक्तिनाथ, ठीक है, ये देख सकते हो आप शक्तिनाथ को। और अभी 19 महीने का है और 62 हाइट ले चुका है, तो हम 360 व्यू भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों कमेंट कीजिए शक्तिनाथ आपको कैसा लगा, थोड़ा सा हमें एक प्रोत्साहन मिलता है घोड़ा दिखाने में भी। हाँ दोस्तों, यही प्यार होता है जो घोड़े वाले हैं, सुबह आते हैं अपने, शाम तक घोड़ों के साथ रहते हैं, अपना कीमती वक्त अपने टाइम से निकालते हैं, और यही प्यार है घोड़ों के लिए। आप देख सकते हो चारों तरफ से शक्तिनाथ को। मुझे तो लग रहा है कि इन फ्यूचर ये काफ़ी अच्छा घोड़ा बनेगा और अच्छा स्टैलियन बने, यही कामना है। तो प्रतीक भैया इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, इसका नाम क्या है और हाइट कितनी है इसके? इसका नाम जेनिफर है। जेनिफर, ये फिली है आपकी? फिली है ये। ठीक है, और ये इसकी एज क्या है? ये 17 मंथ की है। ठीक है, और इसको पच कल्याण बोलते हैं। हाँ, चारों पैर, चारों पैर से ब्लेस। ठीक है, ये ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है। ठीक है, तो आपका फार्म वैसे ग्रेट गैम्बलर के नाम से काफ़ी ब्लड लाइन्स हैं आपके पास? नहीं, दो ही हैं। अपने पास। तो इसके पीछे क्या था रीज़न लेने का, इसका आपको क्या अच्छा लगा? मतलब एक नज़र में पसंद आ गई थी, दृष्टि नीति, मतलब घोड़ा देखने से पसंद आया। और वाकई ये बड़ी खूबसूरत है। तो भैया इसका और कुछ जो आप बताना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि आप भी नए हो, तो ज़्यादातर 90% लोग जो अभी नए हैं इस फील्ड में। स्टार्टिंग में पच कल्याण लेने का मूड था। अच्छा, तो एक तो ये पच कल्याण मिल गई हमको। ठीक है, और इसके अंदर ब्लड लाइन भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मदर साइड से भी हो गई, फादर साइड से भी हो गई। फादर साइड से तो ग्रेट गैम्बलर हो गया, मदर साइड से क्या? मदर इसकी पाथेड़ी लाइन की है। पाथेड़ी, हाँ। ठीक है, और इसके मदर के रिजल्ट देखे हुए हैं, वो भी काफी अच्छे थे। हाँ बिल्कुल, तो लग रहा भाई साहब के पास जो देवरतन है ना, हाँ जी, वो इसका मदर साइड से ब्रदर है, जो अभी देवरतन स्टेट फार्म चला गया। अच्छा अच्छा, जो सन्नी जी के पास चला गया। ठीक है, तो देवरतन जो है वो इसका मदर साइड से ब्रदर। ठीक है ठीक है,
तो देखिए आप खूबसूरती है वाकई माशाल्लाह, बड़ी सुंदर लग रही है। और घोड़ा जितना देखने में सुंदर हो तो वाकई उसके छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं वो भी छुप जाते हैं। गर्दन बड़ी प्यारी है इसकी और कान का पूरा पान बन रहा है और बाकी पैर तो चलो चार हैं ही हैं, एक माथे में वो भी है। तो भैया थोड़ा सा हमें मूवमेंट करके दिखाइए इसकी थोड़ी सी आगे पीछे। सबसे पहले इनका मैं परिचय दे देता हूँ। ये दिनेश जी हैं। दिनेश जी आपका नाम? रमेश वैष्णव। रमेश शर्मा जी? हाँ जी रमेश। तो आप घोड़ों के साथ कितनी साल से जुड़े? मेरे को हो गए 23 years। 23 साल हो गए? जी जी। तो ये घोड़े जितने भी आपने यहाँ पर मतलब रखे हैं जी, तो ये आपने सभी ढूंढे हैं? बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हो आप? इसके बाप को बचपन से जन्म से देखता आ रहा हूँ मैं। ठीक है। एक तो ठीक है, बहुत बढ़िया गैम्बलर जो घोड़ा है, बचपन में यही डिजाइन में था। अच्छा, जो बाप था वही जी था? जी, इसका बाप, फादर। तो मतलब आप कह सकते हो ये बाप की तरह बनेगा आगे? जी बिल्कुल बनेगा। तो वैसे रमेश जी, आप मुझे ये बताइए कि मारवाड़ी जो पुराने होते थे, आप तो चलो पुराने हो, 23 साल जी, पुराने हो जी, तो वैसे आजकल ब्रीडिंग हो रही है जी या उससे अच्छी हो रही है, दोनों में से क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रही है। तो क्या कहना चाहते हो कि लोगों को क्या समझाना चाहते हो कि कैसी ब्रीडिंग करें आगे? सर जो लाइन है वो लाइन ही बताए, एक तो जो ब्लड है वो ब्लड ओरिजिनल ब्लड अगर सामने आएगा लोगों के तो बढ़िया रहेगा। एक तो वो बोलते हैं कि उस लाइन का है, और अगर वो लाइन अननोन निकल जाती है तो वो थोड़ा अजीब लगता है ना। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल बताए, मतलब मारवाड़ी में यही पहचान ज़्यादा है कि जो ओरिजिनल ब्लड होता है वो सामने दिखता है। तो रमेश जी एक चीज हमें बताइए, ये प्रतीक भैया को घोड़ा पकड़ा देते जी। रमेश जी हमें ये बताइए कि घोड़े में क्या क्या देखना चाहिए? सर मेन तो हम ये देखते हैं एक भाग्य भमरी कैसी है, जो भाग्य भमरी होती है यहाँ। आप हमें समझा दीजिए ना कि भाग्य भमरी क्या होती है? भाग्य भमरी दोनों आंखों के बीच में होती है। ठीक है, ये यहाँ पर होती है। ठीक है, ठीक है, ये मेन देखी जाती है। और एक देवमन, देवमन जो गले के अंदर होता है, गले के अंदर जी जी, ये अच्छा, ये बालों का जो जड़ाव होता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या देखना क्या चाहिए? ये भंवरी होती है यहाँ पे। अच्छा, जिसको बेस्ट मानते हैं। ठीक है जी। तो ये दो चीजें अच्छी होनी चाहिए जी जी। और ये पच कल्याण, अगर चारों पैर अगर वाइट आ गए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सोने पे सुहागा जैसे हो गया। ठीक है जी। तो और क्या खासियत है इस घोड़े की अगर हम करें तो? इसमें तो सर देखने में तो एक खूबसूरत तो है ही है। हाँ जी। और इसके हाथ पैर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे बाप के थे वैसे न वैसे हैं। ठीक है, तो उस वजह से अगर ब्रीडिंग के लिए रखेंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे इसके। तो घोड़े की अगर मैं कहूँ कि इस घोड़े में आपने कमी निकालनी हो जी, तो कौन सी कमी आप निकाल सकते हो सर एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस? कमी हल्की सी है कि थोड़े इसके फादर के कान बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते थे, मिलते थे हाँ ऐसे। ठीक है, इसके थोड़े से ऊपर है, बस यही है। अच्छा, तो मतलब ये कमी होगी जी। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी कमी जो बंदा बताता नहीं, बिल्कुल है, वो अच्छा है सर, ये सामने दिख रहा है। मतलब अच्छा, अपन छुपाने वाली बात कोई नहीं है इसमें, मतलब वरना इसकी हेल्थ वेल्थ शरीर लेंथ वही बनेगी जो इसके फादर की है। अच्छा जी, ये इसका नाम क्या है पहले? सबसे पहले इसका नाम केसर है। केसर जी नाम, चलो आपने कुछ तो वैसा रखा, बिल्कुल सिंपल नाम, नहीं तो ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल। अच्छा, इसकी खासियत क्या है जी? खासियत ये तूफान लाइन से ही है। ठीक है, इसका फादर अच्छा जाना पहचाना पवन घोड़ा डबोक करके था। बिल्कुल जी, जो गुजर चुका है, साल भर हो गया उसको। ठीक है, और अभी इसने बच्ची दी थी। कितने साल की है ये? ये 6 साल की। 6 साल की जी। अभी तक कितने मतलब हिस्ट्री में कितने? ये फर्स्ट बार भी आई थी अभी। ठीक, जो अपन ने सेल कर दी बच्ची थी। अच्छा, जो कैंपुर रुद्राक्ष घोड़ा है उसकी बच्ची थी। ठीक है, और उसकी हाइट वगैरह क्या होगी? इसकी हाइट 62+ है। तो ये इसका रिजल्ट कैसा था? रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, बच्ची बहुत बढ़िया, शानदार बच्ची थी। फादर पे दिया था रिजल्ट। फादर जो मेटिंग किससे करवाई थी आपने? पहले तो अपन ने कैंपुर जो रुद्राक्ष घोड़ा उससे करवाई थी, बच्ची आई। ठीक है, और उसके बाद में अभी अपन ने वापस दिनेश जी जैन साहब हैं उनका जो घोड़ा है कामदेव, अच्छा उससे करवाई है। तो कामदेव का भी कलर ऐसा ही है जी? हाँ जी, सुबह है अभी सुबह है उससे। हाँ अच्छा,
देखिए मैंने जितने भी घोड़े देखे ना, कामदेव का जो एटीट्यूड है मैंने आज तक किसी घोड़े में नहीं देखा। वो 5 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होता घोड़ा, और जो बड़ी अच्छी बात है घोड़ों में होनी चाहिए इतनी एक्टिवनेस। और ये घोड़ी चंचलता बहुत चंचलता, तो ये आपके फार्म की एक खासियत मुझे जो लगी है कि आपके पास घोड़ियाँ बहुत प्यारी हैं जी। तो ये कोई सोच के साजिश की थी आपने? नहीं, साजिश किया है सर। अब था कि अच्छी पहचान कैसे बनेगी अपनी, अगर अच्छा जानवर अपन रखेंगे तो पहचान लोग पहचानेंगे ना। ठीक है, वही हमारा रीजन था रखने का। अब अच्छे जानवर रखे और तभी आप भी आए। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वरना तो लोकल तो ठीक है, और किस्मत से अच्छी मिल भी, ब्लड भी अच्छा मिल गया। नहीं रमेश जी, आपका एक एक जानवर अच्छा लगा, चाहे आपने 6 रखे हैं लेकिन 600 के बराबर है जी। तो जरा हम इसका मूवमेंट देख लेते हैं रमेश जी के साथ। जी चलो बेटा चलो, आपको 360 मैं दिखा देता हूँ घोड़ी कैसी जी, है जी। आप देख के नीचे कमेंट कीजिए। थोड़ा रमेश जी उधर लेकर जाइए इसको, आ जाए बेटा, पीछे से भी दिखा देता हूँ। और घोड़ी काफी जानदार लग रही है, तो जानदार ही बच्चा होगा वो मोटा। रमेश जी ये कितनी महीने की प्रेग्नेंट है? 2 महीने की प्रेग्नेंट है सर। तो आपके हिसाब से क्या केयर करनी चाहिए अगर प्रेग्नेंट जब आपने फीमेल करवा ली है तो क्या केयर करनी चाहिए स्पेशल? सर एक तो धूप से ज़्यादा बचाना चाहिए, धूप अगर ज़्यादा धूप में रहेगी तो थोड़ा कैंसल होने का डर रहता है, और नहलाने डेली अगर नहलाते हैं तो उसके लिए, और जौ का दलिया प्रेग्नेंट घोड़ी कम टाइम की है इसलिए इसको ज़्यादा वो दे रहे हैं। अगर इस घोड़ी की एक कमी और एक अच्छी चीज़ बतानी हो तो कौन कौन सी है? सर इसमें कमी तो मेरे हिसाब से तो कोई कमी बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी चीज़ कौन सी है जो बेस्ट हो? बेस्ट है ये हमारे फार्म की एक नंबर घोड़ी है। एक नंबर घोड़ी है जी, और किस्मत वाली। रमेश जी बड़े दिल के साफ लगे, इनको कमी भी पूछता हूँ तब भी बता देते हैं जी जी। लेकिन घोड़ों में कैसे कमी होती नहीं है? ये भी एक खुशकिस्मत है कि ये बहुत गरीब स्थिति में भी रही हुई है। अच्छा, दुबली पतली बहुत मतलब वीक रही हुई है मालिक तो अच्छा। हाँ, भगवान ने अब सही जगह भेजी इसको, तो ये भी थोड़ी अगर ये खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। बिल्कुल जी, घोड़े ऐसे जानवर है अगर आप इनकी जितनी सेवा करोगे तो उससे 100 गुना भगवान देता ही देता है। तो रमेश जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सर ये हमारे फार्म की सेकंड घोड़ी है जो राज लक्ष्मी के नाम से पहचानी जाती है, और ये तूफान लाइन से है, मारवाड़ साइड से आई हुई है। तो अभी इसका रिजल्ट भी है पीछे जी, हम देख जी, रहे हैं। रिजल्ट अभी ये इसने बच्ची दी है, 2 महीने की हुई है। 2 महीने की बच्ची जी, 2 महीने की बच्ची है। तो इसकी हाइट वगैरह कितनी रहेगी रमेश जी? इसकी सर एक्चुअल में 61+ के लग 61 है। तो इसकी ब्लड लाइन क्या है वैसे? ब्लड लाइन तूफान लाइन से है सर। तूफान लाइन से जी जी। मदर साइड या फादर साइड? जी फादर साइड से। फादर साइड से। और मदर साइड से? मदर साइड से अननोन है सर। अननोन है। अननोन उसको कहते हैं कि जिसका आपको पता नहीं? जी जी पता नहीं। वो आगे पार्टी ने भी यही बोला है कि यार हमें, हम भी खरीद के लाए थे, मगर ये है कि कन्फर्म एक तूफान लाइन से इसका फादर। आपकी नज़र में ये बच्चा कैसा हुआ है? ये बच्चा बहुत बढ़िया है, पैलेस लाइन का है, राज तिलक का पोता है, पोती है। पोती है जी। ठीक है। और उदयपुर हमारे यहीं दरबार के यहाँ जो घोड़ा था उसकी बच्ची है। मतलब घोड़ी ने रिजल्ट अच्छा दिया? हाँ बहुत बढ़िया दिया। ठीक है रमेश जी, जरा चला के बताइए इसको। जी आ जाए बेटा चलो आ जा। दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग घोड़ी है, वीडियो में चाहे इतना नहीं पता लगता हो, वो साथ में छोटा सा बच्चा भी है जो अपनी मदर को छोड़ के नहीं जाएगा कभी भी। वो मदर की केयर करता करनी चाहिए, मदर मतलब काट भी लेती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की केयर नहीं करती। आ जाए बेटा। तो रमेश जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने सर, हमें टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पे पधारे और ये टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप पधारे, आपने हमारा फार्म और जानवर को कवर किया। नहीं देखिए सर, जानवर अच्छा हो तो मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में। बिल्कुल। और आपके जानवर नहीं कह सकते, ये आपके पेट ही हैं। बिल्कुल। और सारे अच्छे हैं, एक नंबर के परिवार के सदस्य की तरह हमारे। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है घोड़ों में, लेकिन देखने से जो घोड़ा अच्छा लगता है वो अच्छा ही होता है। तो ये भी आने वाले टाइम में आपका अच्छा बनेगा। तो प्रतीक जी का भी हम थैंक यू करते हैं, और आप ये वीडियो कमेंट कीजिए नीचे कि आपको ये फार्म कैसा लगा और इनके घोड़े कैसे लगे, वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टा में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।